हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंजलि कुकिंग में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लच्छेदार आलू पराठा, पर लच्छे वाले बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, एकदम अलग तरीके से बनाएंगे। आप इसे चाहे तो लच्छेदार भी बोल सकते हैं या नॉर्मल पराठे भी बोल सकते हैं, पर इसका बनाने का तरीका एकदम अलग रहेगा। तो हमने यहाँ पर 1 कप मैदा और 1 कप हमने आटा ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम छान लेंगे। इसको छानना बहुत ज़रूरी है, तो आटे को हम अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि इसमें जो कचरे रहेंगे ना वो आराम से छन्नी में निकल जाएंगे। और ये देखिए, हमने इसको छान लिया है और अब हम इसका डो तैयार कर लेंगे। तो पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एक ही बार में नहीं डालना है। और जैसे हम रोटी का डो तैयार करते हैं ना, एकदम वैसे ही तैयार करना है, पर उससे थोड़ा सा इसको सख्त रखना है। तो अभी हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है। आप चाहे तो इसमें अजवाइन और काला जीरा भी इसमें डाल सकते हैं। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप जब आटे को छाने तभी आप उसमें नमक ऐड कर दें और उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा डो तैयार हो गया है। तो मैं अभी इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। घी को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और घी भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, डो तैयार है। तो अभी मैं इसको सेट होने के लिए 5 से 6 मिनट के लिए रख दूंगी। तो इसको हम ढक देते हैं, ढक कर रख देंगे 6 मिनट के लिए। और ये देखिए, हमने यहाँ पे आलू लिया है। तो आलू हमने 6 से 7 लिया है और मीडियम साइज का हमने आलू लिया है। तो आलू को हमने बॉईल करके रख दिया था पहले ही। तो अभी हम इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ प्याज 2 मीडियम साइज का, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, इसको हमने कूट लिया है। आप चाहे तो पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं। नमक इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। तो अब हम आलू को क्या करेंगे, सबसे पहले आलू को फोड़ लेंगे, यानी कि जो आलू है उसको हम तोड़ लेंगे। और तोड़ कर अभी हम इसको साइड में हटा देंगे। और यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हम काली मिर्च लेंगे। और इसी के साथ में हम इसमें डाल लेंगे थोड़ी सी अजवाइन। और इन सब मसाले को हम लो फ्लेम पे एकदम लाइट कलर आने तक इसको हम रोस्ट करेंगे। धनिया कम लग रहा है तो इसमें हमने थोड़ा सा और ऐड कर लिया है। और लो फ्लेम पे इसे रोस्ट करना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करना है। और इसे रोस्ट करने मात्र हमें 1 से 1.5 मिनट लगा। और ये देख रहे ना, एकदम बढ़िया लाइट कलर आ गया है। तो इसको हम ठंडा कर लेंगे। और जैसे ही ये ठंडा हो जाए तो इसको हम दरदरा कूट लेंगे। आप चाहे तो दरदरा पीस सकते हैं, पर इसका फाइन पाउडर तैयार नहीं करना है, इसको दरदरा ही रखना है। तो ये देखिए, हमने दरदरा कूट लिया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। और हमने जो आलू रखा था ना, उसमें हम 2 चम्मच मसाला ऐड करेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है और ये सीक्रेट है वीडियो का, कि आलू पराठा जब बनाए आप तो इस तरीके से एक बार मसाला बना के इसमें ऐड करें, बहुत टेस्टी बनेगा। और यहाँ पे हमने डाला है थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और इसको हम मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ में हम डालेंगे आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मिर्च भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको जितना खट्टा जितना तीखा खाना हो उसी के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। और हमने आलू में अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया। और ये देख रहे हैं ना, आलू के बैंडिंग देखिए एकदम परफेक्ट है, जैसे मैं घुमा रही हूँ वैसे आराम से घूम जा रहा है। तो अभी हम इसको साइड में हटा देंगे। और अब हम डो को एक बार चेक कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुका है, डो भी हमारा अच्छे से सेट हो गया और एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें 2 टुकड़ा कर लेंगे। और अब हम डो का 1 हिस्सा हम लेंगे और 1 हिस्सा भी हम साइड में हटा देंगे। और इसका हम बड़ा सा लंबा बॉल बना लेंगे, लंबे शेप में बनाना है इसको। ये देखिए, थोड़ा सा हमने लंबा कर दिया। और इसमें अब हम 2 टुकड़ा करेंगे और इसमें से हम दोनों टुकड़ों को अच्छे से हम गोल कर लेंगे। और गोल करके हम इसको रोटी के साइज में बेलेंगे। तो ये चिपक रहा है तो थोड़ा सा हम नीचे मैदा लगा लेंगे। मैदा ही लगाना है, आप चाहे तो आटा भी लगा सकते हैं। अगर चिपके तो लगाना है, नहीं चिपके तो आप ऐसे में भी बेल सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इसको चौकोन साइज में बेल दिया है। तो अब हम इस पर घी लगा लेंगे। घी हम इसलिए लगाएंगे कि हमारा जो पराठा बनेगा एकदम सॉफ्ट बनेगा, उसको आप मुट्ठी में भी दबा लेंगे तब भी नहीं टूटेगा और एकदम सॉफ्ट बनेगा और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो
तो ये देखिए हमने घी अच्छे से इसमें लगा लिया है। तो अब हम इसका रोल कर लेंगे। जैसे अपन लच्छा पराठा बनाने के लिए रोल करते हैं ना, एकदम वैसे ही करना है। पर लच्छा पराठा में क्या है कि उसका जो डो रहता है ना, वो थोड़ा सा इससे सख्त रहता है, तो उसमें लच्छे अच्छे दिखते हैं, अच्छे से दिखते हैं जब आप उसको पकाएंगे तो। और ये थोड़ा सा उससे नरम है तो इसमें लच्छे नहीं दिखेंगे, पर आपका पराठा एकदम सॉफ्ट बनेगा। उसको आप मुट्ठी में भी दबा लेंगे ना, तब भी नहीं टूटेगा। और 3 से 4 घंटे भी रख देंगे ठंडा होने के बाद में भी आपका पराठा नहीं टूटेगा। तो ऐसे ही करके सारे, मतलब यानी कि जितना हमने डो लिया है ना, सारे डो को हम ऐसे ही रोल कर लेंगे। पहले तो हाथ से फैलाना है और उसके बाद में हम इसको बेलन से बेल लेंगे चरकोन साइज में, और इसको हम ऐसे ही रोल कर लेंगे। और इसमें भी अभी आपका लेयर एकदम बढ़िया दिखेगा, जैसे लच्छे पराठे का लेयर दिखते हैं ना, एकदम वैसे ही दिखेगा, ये देखिए। तो ऐसे ही करके हमने सारे डो को बेल कर रोल बना लिया है। तो अभी हम इसको साइड में हटा देंगे और एक रोल को हम लेंगे और उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं करना और ज़्यादा छोटा भी नहीं, यानी कि आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं इसको। जैसा आपको आलू पराठा बनाना हो, छोटा बनाना हो तो छोटा छोटा कट कीजिए, बड़ा बनाना है तो बड़ा बड़ा कीजिए। मैं छोटा छोटा बनाऊंगी तो इसीलिए हमने छोटा छोटा कट किया। और ऐसे ही कट के, और लोई को हम ऐसे गोल नहीं करेंगे, हथेली पे नहीं करना है गोल, बस ऐसे अंगूठा से ऐसे दबा देना है, या हथेली से या उंगली से ऐसे दबा कर एक के ऊपर एक रख देना है। ये देखिए अभी लेयर इसमें एकदम अच्छे से दिख रहे हैं, लेकिन बाद में जब आप इसको पकाएंगे ना, तो उसमें लेयर आपका बिल्कुल नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत दिखेगा पर ज़्यादा नहीं दिखेगा। और आपका जो पराठा रहेगा ना, एकदम सॉफ्ट और एकदम टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे टिक्की को बना के रेडी कर लिया है पराठा के लिए। तो अभी हम इसको ढककर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो स्टफिंग है उसमें हम डाल लेते हैं थोड़ी सी धनिया पत्ती। धनिया पत्ती से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गया है। तो अब हम इसको साइड में हटा लेंगे और 2 टिक्की हम लेंगे और इसको अब हम बेल लेंगे। तो पहले हम नीचे में थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे कि हमारा जो टिक्की है नीचे में चिपक जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा हम मैदा लगा लेंगे। और इसको हम पूरी के साइज में बेलेंगे। ये देखिए हमने एक बेल लिया है और इस पे से हम आलू का स्टफिंग रखेंगे। ये देखिए अच्छे से रखना है, जैसा आपको पसंद हो, ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा रख सकते हैं इस पे। और ऐसे ही करके हम एक और टिक्की लेंगे और इसको भी हम ऐसे ही पूरी के साइज में ही बेल लेंगे। ये देखिए इसको भी हमने बेल लिया है अच्छे से। पर इसमें खास बात ये है ना कि पूरी के किनारे हम पानी बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। जैसे अपन गुजिया बनाते हैं तो गुजिया के किनारे किनारे पे चिपकाने के लिए हम पानी का यूज करते हैं। पानी का यूज इसलिए करते हैं कि हम उसको ऑयल में डालेंगे तो वो खुले नहीं। पर इसमें क्या है कि हम पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ऐसे ही चिपका देंगे हाथ से। अच्छे से चिपकाना है कि इसका मुँह खुले नहीं। और इसमें जो एयर भरा हुआ है ना, उसको हम हथेली से हल्का हल्का दबा कर एयर निकाल देंगे। और इसको अब हम बेल लेंगे पराठे के साइज में। और पराठे का जो थिकनेस रहता है ना आलू पराठे का, एकदम वैसे ही बेलेंगे, उसी थिकनेस में बेलेंगे। तो ये लीजिए हमने बेल लिया है और यहाँ पे हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। आप चाहे तो नॉनस्टिक पैन या नॉनस्टिक तवा भी ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमने जो मसाला भून के रखा था ना, उसको हम पूरी के ऊपर में डालकर और थोड़ी सी धनिया पत्ती डालकर हम उसको बेल लेंगे बेलन से, और उसे हम तवे पे ऐसे डाल लेंगे। जिस साइड से हम धनिया पत्ती और मसाला डालेंगे ना, उस साइड को हम पहले नीचे करके डालेंगे, पहले उसी को हम सेकेंगे। और जैसे 2 से 3 मिनट हो जाए तो हम पराठे को पलट देंगे। ये लीजिए देख रहे ना, हमने पलट दिया है। ये मसाला और धनिया पत्ती आपका बिल्कुल भी नहीं जलने वाला है, बहुत ही बढ़िया दिखेगा। और इसको हम हर 2-2 मिनट पे चेक करते रहेंगे कि पराठा हमारा नीचे से अच्छे से पक चुका है या नहीं। इसे हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग नीचे से पक चुका है। तो मैं इस पे डाल रही हूँ ढेर सारा घी। आप चाहे तो बटर का भी यूज कर सकते हैं, या फिर नहीं है बटर, घी भी नहीं है, तो आप रिफाइन ऑयल का यूज कर सकते हैं।
तो ऐसे ही पलटकर हम दूसरी तरफ से भी घी लगा देंगे और इसको हम उलट पुलट कर अच्छे से हम पका लेंगे दोनों तरफ से। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा आलू पराठा बनके रेडी हो गया है, देख रहे ना। धनिया पत्ती भी बिल्कुल नहीं जला है। और ऐसे ही करके हम सारे आलू पराठे को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा आलू पराठा बनके रेडी हो गया है, देख रहे ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। पराठे हमारे हल्का सा ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसको ऐसे मोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए, पराठा हमारा बिल्कुल भी नहीं टूटा, देख रहे ना, एकदम नहीं टूटा। इसको हम मुट्ठी में भी बांध लेंगे ना, तब भी नहीं टूटेगा, ठंडा होने के बाद में भी नहीं टूटने वाला है। ये देखिए, मैं आपको दूसरा मोड़ के दिखा रही हूँ, देख रहे ना, बिल्कुल भी नहीं टूटा है। और ये देखिए, लेयर इसमें बिल्कुल हल्का हल्का दिख रहा है, जैसे लच्छे पराठे में दिखते हैं ना, वैसे नहीं दिखेंगे, बस हल्का हल्का दिखेगा। तो ये देखिए, इसमें लेयर भी हल्का हल्का दिख रहा है। और ये देखिए, जब हम पराठे को खोलेंगे तो ये अच्छे से दोनों तरफ से खुल जाएंगे। और ये देख रहे ना, इसमें स्टफिंग देखिए एकदम पूरा किनारे किनारे तक गया है, और पराठा हमारा अंदर से भी अच्छे से पक चुका है। तो इसको अब हम सर्व कर लेंगे धनिया पत्ती के चटनी के साथ, यानी कि हरी चटनी के साथ। आप टमाटर की चटनी के साथ खाना पसंद करते हैं तो टमाटर की भी चटनी रख सकते हैं, या फिर रायता से आप पसंद करते हैं तो रायता भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यदि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी ना भूलिएगा। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।